गाइस, शिवांगी वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है सुपर डुपर स्पेशल, बिकॉज़ टुडे वी विल बी यूजिंग चीपेस्ट वाटर कलर्स एवर। वी आर यूजिंग कैमलिन वाटर कलर केक्स फॉर स्मूथ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। इसमें टोटल 12 शेड्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं आपको कॉस्ट बता देती हूँ इसकी। ये है 35 रुपीज के, पर मुझे पड़े ये बहुत ही सस्ते 28 रुपीज के। Can you guys believe this? 12 color, that too Camlin ke. काफी सस्ते है यार। देखते हैं आज इससे क्या क्या करेंगे। ये प्लास्टिक में आता है। ओके, सो मे बी इनने कॉम्प्रोमाइज किया है ऑन प्लास्टिक। एंड इट कम्स विद अ टोपी एज वेल, इसका ढक्कन भी है। एंड इट कम्स विद अ टाइनी लिटिल ब्रश एज वेल। हाउ अमेजिंग इज दैट? मजा तो देखो आने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, कलर्स तो मैं ये वाले यूज करने वाली हूँ, बट साथ ही में आज मैं अपने नए ब्रशेस भी खोल रही हूँ, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नए आर्ट सप्लाईज दिए थे ना, उन्हीं में से। एंड सेम गोज विद पेपर्स, तो मैं वॉटर कलर पेपर्स भी नए यूज कर रही हूँ। एंड साथ ही में जो मेरा जार होगा पानी रखने के लिए, वो भी नया है यार। आई नो आज की वीडियो में काफी सारी न्यू चीजें आने वाली है, क्योंकि मैं आपको लास्ट वीडियो में बोला था ना कि मैं पागल हो रखी हूँ नए आर्ट सप्लाईज के साथ। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दिस इज द कमेंट ऑफ द वीक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट वीक कमेंट ऑफ द वीक किसका होता है। अब इसी के साथ मैं अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। बाय द वे, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पेंसिल का यूज नहीं कर रही हूँ। मतलब मैंने इनिशियली किया था बॉर्डर बनाने के लिए, बट मैं इस बार रफ स्केच एकदम स्किप कर रही हूँ। सो यस, यहाँ पे मैं वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले पेपर को गीला कर दूंगी एंड उसके बाद कलर्स को छिड़काना स्टार्ट कर दूंगी। बाय द वे, यहाँ पे मैं एक लैंडस्केप पेंटिंग ही बना रही हूँ, बिकॉज कम ऑन यार, टेस्ट करने के लिए कि इन कलर्स की क्वालिटी कैसी है, आई हैव टू डू दिस। एंड इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये कलर्स तो बड़े अजीब से लग रहे हैं यार अभी, तो यार मैं बहुत लाइट तरीके से अभी यूज करी, क्योंकि आपको पता है ना वाटर कलर्स में एक बार अगर डार्क कलर यूज कर दिया उसके बाद लाइट जाना नामुमकिन है। तो मैं धीरे धीरे करके अपने शेड्स को इंक्रीज करूंगी। एंड बाय द वे, डिड आई टेल यू कि इन वाटर कलर्स की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बकवास है। आई थिंक दिस इज डुएबल यार। सो यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चीप वाटर कलर, देन यू कैन लिटरली ट्राई दिस आउट। एंड लेट्स सी मैं क्या पेंट करती हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस अभी इस पेंटिंग से थोड़ी कम है, क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बनाती चली आ रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। इफ यू नोटिस यू, मैं अलग अलग ब्रशेस को यहाँ पे यूज कर रही हूँ, झाड़ पत्तियां बना रही हूँ, बिकॉज आई थिंक कंपेरेटिवली यही सब बनाना थोड़ा आसान होता है यार। आई एम लिटरली चूजिंग एन इजी वे, बट ठीक है यार, देर आए दुरुस्त आए। एंड दिस इज नॉट द ओनली पेंटिंग विच आई बी क्रिएटिंग, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अनदर वन जस्ट टू एक्सपेरिमेंट गाइस। है ना, अब देखो यार, हमारी फर्स्ट स्टेज हो चुकी है कंप्लीट। फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है जब हम पूरे पेपर में जहां जहां हमें कलर्स स्प्रेड करने हैं, जहां जहां हमें कलर्स ऐड करने हैं, वो सारा पार्ट जब कंप्लीट हो जाए उसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में हम थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि हम थोड़ा से डार्क शेड्स की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि पेंटिंग थोड़ी और हाईलाइटेड लगे। हम थोड़े से शेडोज में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे कि पता चले कि हाँ भाई क्या चीज क्या है, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज में सब कुछ बहुत बेसिक, बहुत बकवास, बहुत ही नॉर्मल सा लगता है। सो फर्स्ट स्टेज में ना यूजुअली क्या होता है, काफी लोग डर जाते कि आई हाय मेरी तो पेंटिंग खराब हो गई, ये तो अच्छी लगी नहीं रही है। तो फर्स्ट स्टेज में कोई पेंटिंग अच्छी लगी नहीं सकती यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यार, अभी के लिए मेरा काम सिर्फ यही है कि सेकंड स्टेज में मैं थोड़ी ज्यादा डिटेल्स ऐड करूं फर्स्ट स्टेज से, एटलीस्ट ज्यादा, जिससे कि ये पेंटिंग में थोड़ी सी जान आ जाए, क्योंकि जितनी आपको ये ब्लैंड लग रही है उससे कई ज्यादा मुझे लग रही है। एंड सच बताओ तो मुझे खुद को भी इस उम्र तक धक धक होता है कि यार कहीं ये बकवास ना बने, क्योंकि फर्स्ट स्टेज इज लिटरली वेरी पैथेटिक। बट फर्स्ट स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट स्टेज में कुछ गलती कर दी ना, बाकी स्टेजेस में वाटर कलर में स्पेशली उसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं वापस रिपीट करूंगी यार, हमेशा लाइट कलर्स के साथ ही स्टार्ट करना। यस, इसी के साथ साथ मेरी सेकंड स्टेज भी हो चुकी है कंप्लीट एंड मैंने ऑलरेडी थर्ड स्टेज स्टार्ट कर दिया। थर्ड स्टेज में क्या होता है, हम सेकंड स्टेज की चीजों को और भी ज्यादा डिफाइन करते हैं, और भी ज्यादा शेडोज ऐड करते हैं, जिससे कि सब कुछ रियल लगे थोड़ा थोड़ा। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये होता चला जाता है, मैं हर पार्ट में जितना ही छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा पार्ट क्यों ना हो, हर चीज में डेप्थ एंड शैडो क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। एंड जिस तरीके से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होती है, उसी तरीके से आगे की भी स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे हम अपनी ड्रॉइंग में थोड़ी डिटेल्स ऐड करते चले जाते हैं, लाइट एंड शैडो को डिपिक्ट करते हैं, वैसे वैसे स्टेजेस भी बढ़ती चली जाती है। इट इज सो सिंपल। देखो यार, आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट, बट आप लोगों को पता है मैं बिना डिटेल्स के तो जी नहीं सकती, मुझे सांसें नहीं आती हैं, सब कुछ रुक सा जाता है। तो बस मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज करके यहाँ पे थोड़ी हाईलाइट शो कर रही हूँ यार। एंड इतनी चीटिंग तो चलती है यार, खुद की पेंटिंग बना रही हूँ, खुद के चैनल पे बना रही हूँ, एंड चैनल भी आर्ट से रिलेटेड है, थोड़ी मोड़ी चीटिंग तो चलती है यार। तो बस मैं वही सारी डिटेल्स ऐड करती चली जाऊंगी।
अब बस मैं इसे कंप्लीट करने के लिए फाइनल टचेस ऐड करूंगी, जिसमें मैं थोड़ी झाड़ पत्ती और ऐड करूंगी, टहनियों को ऐड करूंगी, एंड वंस एवरीथिंग इज डन दिस इज व्हाट अ फाइनल पेंटिंग विल लुक लाइक। सच बताओ तो मेरा मन नहीं कर रहा इसे छोड़ने का, मन करता जा रहा है डिटेल्स पर डिटेल्स, डिटेल्स पर डिटेल्स, डिटेल्स पर डिटेल्स ऐड करती चली जाऊं, बट दिस इज व्हाट इट इज। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरी तरफ से तो थम्स अप है यार, ये वाटर कलर्स सही में अच्छे हैं। बट यस, नाउ आई एम प्लानिंग कि मैंने ये सब कुछ तो ट्राई कर लिया है, एक अलग तरीके का आर्ट फॉर्म ट्राई किया जाए इन्हीं वाटर कलर्स को यूज करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कलर्स की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है, बट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। तो मैंने वापस से उसी शीट को थोड़ा छोटा कट कर दिया, क्योंकि यार मैं थक चुकी हूँ ये कर करके, बट मुझे आज ही से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझे भी फिर रात को नींद नहीं आने वाली है। देखो यार, इतनी बड़बड़ के बाद मैंने अपना बकवास सा रफ स्केच कर लिया है कंप्लीट, एंड अब टाइम आ चुका है वेट एंड वेट टेक्निक को यूज करके पेंट करने का। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वही वेट एंड वेट टेक्निक को यूज करके मैं कुछ वैसा ही बना रही हूँ, बट नहीं यार, इस बार मैं सच में थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लोरल पैटर्न ट्राई किया है, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा डार्क रखूँ, जिससे कि वो जो कंट्रास्ट क्रिएट होगा ना, आई गेस वो लास्ट में प्रिटी ही लगेगा। तो यस, मैं एक एक छोटे से छोटे एलिमेंट बड़े से बड़े एलिमेंट में वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज करूंगी, जिसमें मैं सबसे पहले कलर को फैलाऊंगी, एंड उसके बाद पानी से अच्छे से कलर को मर्ज कर दूंगी, एंड इसी टेक्निक को मैं उल्टा भी यूज करूंगी। पहले मैं पानी को स्प्रेड कर दूंगी, एंड उसके ऊपर मैं कलर्स को मर्ज करना स्टार्ट करूंगी। तो यस, जहां मुझे जो कंफर्टेबल लगे मैं तो वही करती चली जाऊंगी यार, मैं कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो नहीं करने वाली, क्योंकि आर्ट इज फॉर फन। अगर हम यही रूल्स फुल्स फॉलो करने लग गए तो हो गया हमारा काम। बस मैं यही सब करती चली जाऊंगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि मैं कितनी आसानी से ये सब कुछ पेंट करती चली आ रही हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना है नहीं, क्योंकि ये जो इतने ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट्स है, टेढ़े मेढ़ी लाइंस है, इन सब के बीच में वेट ऑन वेट टेक्निक करना सुपर डुपर डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी फेल गया ना तो मेरी तो लग जाएगी। तो इसीलिए यार इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से करना पड़ रहा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। एंड यार यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो डिपिक्ट लीव्स, एंड मैं इसी तरीके से और भी ढेर सारे रंगों का इस्तेमाल करूंगी, बट टू मेनी कलर्स का यूज नहीं करूंगी, उससे बहुत टैकी लगेगा, विच आई रियली डोंट वांट टू हैपन। सो यस, आई एम गोना डू दैट एंड फॉलो दीज स्टेप्स, एंड जब मेरा बैकग्राउंड अच्छे से ड्राई होगा तभी जाके मैं बाकी कलर्स को स्प्रेड करना स्टार्ट करूंगी, अदरवाइज ये पूरी खिचड़ी पक जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि एनीवे मेरी स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा मेहनत लग चुकी है यार इसमें। मैं नहीं सोच रही थी कि इतनी मेहनत लगेगी, बट कुछ ज्यादा ही मेहनत लग चुकी है, एंड आई विश अगर मुझे पहले पता होता ना, शायद मैं ये पेंटिंग चूज भी नहीं करती। सो एनीवे मैं इसमें थोड़ी डिटेल्स की तरफ बढ़ती चली जाऊंगी। आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार शिवांगी इसमें सेकंड स्टेज क्यों नहीं आ रहा, यार जब फर्स्ट स्टेज खत्म होगा तभी तो सेकंड स्टार्ट होगा। तो बस फर्स्ट स्टेज हो चुका है कंप्लीट, सेकंड स्टेज में मैं थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करती चली जाऊंगी, शैडोज पे थोड़ा कंसंट्रेट करूंगी, डिफरेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट करूंगी। आई एम श्योर अभी आपको लग रहा होगा क्या खिचड़ी पकी हुई है यार इसमें, बट वेट फॉर अ सेकंड, मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेज में सब कुछ बहुत ही बकवास थर्ड क्लास लगता है, बट जैसे जैसे हम आगे स्टेजेस पे बढ़ते हैं थिंग्स गेट सो मच बेटर। Every detail is done. This is what our final piece will look like. Okay guys, this was it for today's video. Do let me know in the comment section below aapko aaj ki video kaisi lagi, and if you like it please don't forget to like, share and subscribe. Itni mehnat karti ho to subscribe, like, comment karna mat bhulna. Main milti hu jaldi. Bye.